दिल्ली के त्रिलोकपुरी से ऐसा ही मामला आया है। पुलिस और दलितों की दास्तान। जब भी हमारे देश के नवयुवक और पुलिस अधिकारी पुलिस में भर्ती होते हैं तो ये शपथ लेते हैं कि हम भारत के संविधान में लिखे गए कानूनों का पालन करेंगे और जनता से भी कराएंगे। किंतु जैसे ही पुलिस और बड़े अधिकारी कानून की वर्दी धारण करते हैं, कानून को ठेंगा दिखाने लगते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा जनता कह रही है और किसी हद तक यह सच भी है। खास बात यह है कि जब भी किसी दलित वर्ग के साथ अत्याचार हुआ है, पुलिस हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी नजर आई। हाथरस की घटना से लेकर नांगल कैंट और त्रिलोकपुरी की घटना तक को पुलिस ने पीड़ित को दबाने और अपराधियों के पक्ष में खड़ी नजर आई। कुछ जनता और नेताओं की जुबानी अंश चलिए हम आपको सुनाते हैं। त्रिलोकपुरी की घटना को लेकर के विधायक मेहरोलिया जी इस समय मौके पर पहुंच चुके हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि इस घटना को लेकर उनका क्या कहना है। जब से ये घटना हुई है, कल शाम से ही हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं और पुलिस पे लगातार दबाव बना रहे हैं। रात को अस्पताल में हम पहुंचे हैं पीड़ित परिवार के साथ में। जैसे जैसे उन्होंने बताया कि पुलिस लापरवाही कर रही है, तो पुलिस के आला अधिकारियों से मौके पे बात की और थाने में भी हम 5-6 घंटे यहाँ पर डटे रहे। रात को 1:30 बजे तक मैं अपने साथियों के साथ में थाने में मौजूद रहा हूँ। रात को 3 बजे दबाव बनाकर डलवाइए। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि आज दिल्ली के अंदर हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। आज दिल्ली के स्थिति को लेखते हुए, कानून व्यवस्था को लेते हुए गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और या उनको इस्तीफा दें या दिल्ली सरकार के अधीन वो दिल्ली पुलिस को करें, उसके बाद में हम इसको पूरी तरीके से। मेरा नाम तिलकराज तलवार है और मैं 20 ब्लॉक मार्केट से प्रेजिडेंट हूँ। आप ये बताओ, ये इस तरह की घटना घट रही है, अभी नांगल डेरी में घटी, अब यहाँ घट गई, इसके बारे में आप क्या कहना? इसके अंदर मैं पुरजोर जो विरोध करूँगा वो दिल्ली पुलिस का करूँगा। दिल्ली पुलिस की नाकामी रही। लड़की की माँ ने 100 नंबर पे कॉल करी, उसके बाद भी पुलिस आधे घंटे लेट आई और उस पर परिवार पे दबाव बनाने का प्रयास किया। यानी इनका कहना है कि पुलिस की नाकामी पूर्ण रूप से नज़र आ रही है, क्योंकि 100 नंबर करने के डायल करने के बाद भी आधा घंटे बाद पहुंचती है पुलिस, तो पुलिस की नाकामी है। और उसके अलावा पुलिस ने परिवार पर प्रेशर बनाना चाहा कि मुकदमा दर्ज करके क्या करोगे, लड़की की बदनामी होगी, उनको मिसगाइड करते रहे इस टाइप के। उन्होंने पुलिस वालों ने कहा है कि भाई इस मामले को देखिए, ये जो दिल्ली के अंदर, इससे पहले नांगल के अंदर दिल्ली कैंट जो कि ग्रीन जोन एरिया में आता है, उसमें उसके अंदर एक शमशान घाट के अंदर एक पंडित 4 व्यक्ति इकट्ठे होकर एक लड़की का, 9 साल के बच्चे का रेप करते हैं। बड़ी निंदनीय घटना है। और दूसरा, आज अभी उसकी आग ठंडी भी नहीं हुई थी, चिता की आग, उसके बावजूद त्रिलोकपुरी में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, ये बहुत ही जंगनीय अपराध है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन आपस में मिले हुए हैं। देखिए, इसके लिए ना अभी SHO त्यागी है मिस्टर, उनसे बात भी हुई थी हमारी, जब रास्ते में हम लोग आ रहे थे, उन्होंने कहा जी जो मुख्य आरोपी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की अभी तफ्तीश चल रही है कैसे करके, वो तब तक होने के लिए हम थाने पर जा रहे हैं। अभी वहाँ जाके भी हम प्रदर्शन करेंगे और आयोग की तरफ से नोटिस सम्मन करके जो कंसर्न DCP है उनको हम तलब करेंगे। सर, मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, बताइए इस घटना के बारे में आपको कितनी जानकारी? सर, घटना के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि गुमराह किया जा रहा है बेटी के माँ बाप को, बेटी के परिवार को, वो इस वजह से। और दो, अगर बच्ची जो दो बंदे बता रही है, तो प्रशासन या पुलिस वाले उसको मजबूर कर रहे हैं, बेटी को भी और उसके परिवार को, कि आप एक बताओ, उसकी तरफ एक उंगली कर रहे हैं, कह रहे जी ये दो है, उसको एक दिखा के दो कह रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हरेशमेंट में है, ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो एक को दो कैसे एक बताएगी। तो ये प्रशासन का पूरा